मैं हूँ आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। कबीर खान के निर्देशन में बनी फिल्म ट्यूबलाइट देश भर में रिलीज हो चुकी है। कोई शक नहीं है कि सलमान खान के इस धमाके से फैंस को काफी उम्मीदें हैं और इसका सीधा असर हमें बॉक्स ऑफिस पर देखने मिलेगा। माना जा रहा है कि बाहुबली 2 के बाद ये साल की दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगी। ट्रेड पंडितों की माने तो फिल्म 25 से 30 करोड़ की ओपनिंग दे सकती है, जबकि फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 350 करोड़ तक जा सकता है। यानी कि ये बनेगी सलमान खान की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि ट्यूबलाइट ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपनी तगड़ी नजर जमा कर रखी है। फिल्म ओवरसीज में जमकर प्रमोशन कर रही है, जिससे उम्मीद है कि ट्यूबलाइट सलमान की बाकी फिल्मों से अलग ओवरसीज में जबरदस्त कलेक्शन करने वाली है। खासकर चीन में फिल्म तगड़ी कमाई कर सकती है, क्योंकि फिल्म भारत चीन रिश्ते पर ही गढ़ी गई है। वहीं फिल्म की एक्ट्रेस भी चीन से है, लिहाजा फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।